हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 18 वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन डिवीज़न इसे समझेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक एग्जांपल से इसे हम समझते हैं। 8704 बॉल्स वर पैक्ड इक्वली, ठीक है ना, यानी कि बराबर बराबर वो पैक की गई हैं 8704 बॉल्स, और कितने बॉक्सेस में, इन 34 बॉक्सेस में। हाउ मैनी, पूछा इसमें ये है कि हाउ मैनी बॉल्स वर पैक्ड इन ईच बॉक्स, यानी कि हर एक बॉक्स में 34 बॉक्स टोटल हैं और 8704 बॉल्स जो हैं वो 34 बॉक्स के अंदर हैं। तो पूछा ये है कि हाउ मैनी बॉल्स वर पैक्ड इन ईच बॉक्स, यानी कि प्रत्येक बॉक्स में कितनी कितनी बॉल्स जो हैं वो पैक की गई हैं। देखिए, इसे करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं। 8704 बॉल्स की बजाय आप यहाँ पर 10 बॉल्स मान लीजिए, ठीक है ना, कि और यहाँ पर जो 34 बॉक्स हैं उनको 34 ना मान के आप मान लो 2 बॉक्सेस मान लीजिए, सिर्फ 2 बॉक्सेस, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ पर हम जैसे कि इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ बॉल्स इन 2 बॉक्सेस, हमने यहाँ 34 की बजाय सिर्फ 2 बॉक्सेस किया, पहले हम छोटे से लेकर चलते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 बॉक्सेस में कितने जो हैं टोटल बॉल्स हैं, मान लो हमें 10 दिया हुआ है, यहाँ पर 10 दिया हुआ है। अब हमें बताना क्या है कि हाउ मैनी बॉल्स वर पैक्ड इन ईच बॉक्स, यानी कि प्रत्येक बॉक्स में कितनी, यानी कि एक बॉक्स का हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बता देंगे नंबर ऑफ बॉल्स इन 1 बॉक्सेस, यानी कि 1 बॉक्स में हमें बताना है। तो सिंपली हमें करना क्या है कि हमें 10 बॉक्स, 10 जो हैं वो दिए हुए हैं, ठीक है ना, जो 10 बॉल्स हैं, ये 10 बॉल्स हैं जो ये हमें दी हुई हैं, और ये कितने बॉक्सेस में हैं, 2 बॉक्सेस में हैं, ठीक है। तो अगर हम 10 बॉल्स को, अगर 10 बॉल्स को इस 2 बॉक्सेस से हम डिवाइड करते हैं, तो हमारा एक एक बॉक्स में जितनी बॉल हैं वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जैसे कि अगर 10 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, कॉलम वाइज अगर हम इसे उतार के इस तरीके से करें, डिवाइडेंड को बीच में लिखते हैं, डिवीज़र को यहाँ पर, अब इसे डिवाइड करते हैं, तो देखिए 2 5 10, ये हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया पूरा क्वेश्चन। तो ये जो 5 है हमारा, ये क्वेश्चन आया निकल कर, ठीक है ना, यानी कि 5 बॉल्स जो हैं वो एक बॉक्स में आएंगी, ठीक है। इसी तरीके से अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो देखिए करना क्या है, सिंपल यही है सारा। नंबर ऑफ इन 34 बॉक्सेस, 34 बॉक्सेस में कितनी बॉल्स हैं, 8704 ये बॉल हैं, ठीक है, ये बॉल हैं। और अब हमें बताना है कि एक बॉक्सेस में कितनी बॉल्स आएंगी। तो हमें करना क्या है, सिंपल नंबर ऑफ बॉल्स इन 1 बॉक्सेस, ठीक है। तो करना क्या है हमें, 8704 को डिवाइड करना है इनसे, 34 से, और हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो कर लेते हैं, 8704 को 34 से अगर हम डिवाइड करते हैं, तो देखिए अब 34 की टेबल आपको अगर आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो सिर्फ आपको जो आपको मैंने पहले बताया था कि 34 को अगर हम 34 टू जा कितने होते हैं, 4 और 4 8, 3 एंड 3 6, 34 टू जा 68 होते हैं। एक 34 की टेबल अगर हम 3 तक पढ़ें, 34 3 जा कितने होते हैं, तो देखिए 8 और 4 होते हैं 12, और 6 और 3 होते हैं हमारे 9, 9 और 1 कैरी का थे, सॉरी देखो 4 और 8 12, 12 का 2 कैरी 1 जाती है, और उसके बाद 3 और 6 को जोड़ेंगे तो हमारा होता है 9, और 1 कैरी का हो गए हमारे 10, ठीक है। तो 102 यहाँ तक हो सकता है हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाए। तो देखिए 34 है जो, 34 इससे बहुत छोटा रहता है, 68 जो है और 102, अगर हम यहाँ पर 87 में से 100 को देखें, ठीक है ना, तो 80 जो 102 है ये ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए हम 68 है जो, इस नंबर को यहाँ पर 87 के नीचे उतारेंगे, ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे 68 को हमने इसके नीचे उतारा है। 68 जो है वो कितने नंबर पर मिला 34 की टेबल में, दूसरे नंबर पर, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे 2, 34 2 जा, ठीक है,
68। अब इस 87 में से 68 को माइनस करेंगे, 7 में से 8 माइनस करेंगे तो होगा नहीं, इसलिए बोरो लेंगे यहाँ से, ये 17 हो जाएगा। 17 में से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 9। अब यहाँ पर हमारे पास बचे कितने, 7। 7 में से 6 माइनस करेंगे, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1। ठीक है, 19 हमारा आ गया, लेकिन 19 जो है वो छोटा है 34 से, इसलिए एक ऊपर से 0 और उतारेंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 34 की टेबल अगर हम यहाँ तक 3 तक पढ़ें तो 102 जो है 190 से बहुत छोटा है, इसलिए थोड़ी सी टेबल और लिख के चलते हैं आगे। 4 और 2 होते हैं हमारे 6, 10 और 3 होते हैं हमारे 13, 6 और 4 होते हैं हमारे 10, और 13 और 3 होते हैं हमारे 16, और 1 कैरी का हो गए हमारे 17। ठीक है, उसके बाद देखिए 4 और 0 होते हैं 4, 17 और 3 हो जाते हैं 20, 204, और यहाँ रहा है 190, यानी कि हमारा जो अगला जो नंबर हम इसके नीचे लिख सकते हैं वो है 170। ठीक है ना, 170 को इससे माइनस करेंगे 190 में से। देखिए 170 कितने नंबर पर आया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 नंबर पर ये आया 170, तो यहाँ पर लिखेंगे 5, इसको माइनस कर लेंगे। 0 में से 0 गए 0, 9 में से 7 गए 2, 1 में से 1 गए क्रॉस। ठीक है, ये 20 आ गया, तो 20 छोटा है 34 बड़ा है, तो ऊपर से एक नंबर और उतारेंगे 4। ठीक है, अब देखिए 4 जो है 34 की टेबल में कहीं आ रहा है, ये आ रहा, कितने नंबर पर आया है, ये आया है 6 नंबर पर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 और यहाँ उतार लेंगे 204, यानी कि ये पूरा भाग जो है डिवाइड है वो हो गया है 34 से। ठीक है ना, 8704 है जो है वो 34 से पूरा डिवाइड हो गया है। 4 से 4 क्रॉस हो जाएगा, 0 से 0 क्रॉस हो जाएगी, 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा। ठीक है ना, हमारे पास नीचे कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा है, इसलिए हमारा जो आंसर है अब वो है 256। अब ये 256 क्या है, ये देखो हमने हमसे पूछा था नंबर ऑफ़ बॉल्स इन वन बॉक्स, यानी कि एक बॉक्स में नंबर ऑफ़ बॉल्स कितनी हैं, तो जो नंबर ऑफ़ बॉल्स हैं एक बॉक्स में वो हमारी निकल कर आई 256 बॉल्स हमारी एक बॉक्स में आएंगी।